हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। जैसा कि मैं हमेशा से आपके लिए सेल्स फिगर लाता रहता हूं, लेकिन मैं हमेशा आपको टॉप 10 सेलिंग बाइक्स के बारे में बताता हूं, लेकिन आज इस वीडियो में टॉप 10 लिस्ट सेलिंग बाइक के बारे में बताऊंगा, यानी कि जो सबसे कम बाइक की बिक्री हुई है उनके बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे कुछ ही कंपनी के बाइक्स के हिसाब से मैंने इसको लिस्ट किया है, यानी कि इसमें बजाज कंपनी, हीरो कंपनी, होंडा, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी, टीवीएस, यामा, केटीएम, इन्हीं कंपनी की जो बाइक्स की जो सेलिंग हुई है उन्हीं के हिसाब से मैंने इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो में कावासाकी बाइक्स और हार्ले डेविडसन जैसे बाइक कंपनियों का मैंने बाइक लिस्ट नहीं किया है, क्योंकि इन कंपनी का सेल्स फिगर काफी बेकार है, क्योंकि इनके काफी सारे जो मॉडल्स हैं उनकी एक भी यूनिट बिकी भी नहीं है, इसलिए इनको मैंने अलग रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको 10 ऐसे बाइक्स के बारे में बताऊंगा जिसकी बिक्री कुछ ना कुछ तो हुई है, लेकिन सबसे कम यहाँ पे इनकी बिक्री हुई है। तो चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि वो 10 बाइक कौन से हैं जो कि सितंबर 2020 में सबसे कम बेची गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे है होंडा अफ्रीका ट्विन, जिसके टोटल सितंबर महीने में केवल 4 यूनिट बेची गई है, यानी कि केवल 4 यूनिट बेची गई है। और अफ्रीका ट्विन का जो एक्सरूम प्राइस है वो 15.35 लाख रुपए से शुरू होती है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सुजुकी जिक्सर है, जिसके केवल 84 यूनिट यानी कि 84 यूनिट बाइक्स की बिक्री सितंबर 2020 में हुई है। तो वही सुजुकी जिक्सर का जो एक्सरूम प्राइस है 1,14,500 रुपीस यानी कि 1,14,500 रुपए से शुरू होती है। तो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर सुजुकी इंट्रूडर है, जिसकी सितंबर 2020 में 259 यूनिट यानी कि 259 यूनिट बाइक्स की बिक्री हुई है। और सुजुकी इंट्रूडर का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस 1,22,141 रुपीस से शुरू होती है। इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पर टीवीएस अपाचे RR 310 है, जिसकी सितंबर 2020 में 475 यूनिट यानी कि 475 यूनिट बाइक्स की बिक्री हुई है। और इस बाइक का एक्सरूम प्राइस 2.48 लाख रुपए से शुरू होती है। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हस्क वरना है, इसके दो मॉडल्स यहाँ पे शामिल है। इसके टोटल 764 यूनिट यानी कि 764 यूनिट बाइक्स की बिक्री हुई है। और इसका जो एक्सरूम प्राइस है 1,84,768 रुपए से शुरू होती है। इस लिस्ट में छठे नंबर पर यामाहा FG25 है, इसका सितंबर 2020 में टोटल 836 यूनिट यानी कि 836 यूनिट बाइक्स की बिक्री हुई है। और इसका एक्सरूम प्राइस 1,52,100 रुपीस से शुरू होती है। इस लिस्ट में सातवें नंबर पर बजाज डोमिनार 400 है, जिसका सितंबर 2020 में 885 यूनिट बाइक्स की बिक्री हुई है। और इसका एक्सरूम प्राइस 1,97,758 रुपीस से शुरू होती है। इस लिस्ट में आठवें नंबर पर बजाज एवेंजर 220 सीसी है, जिसकी सितंबर 2020 में 974 यूनिट यानी कि 974 यूनिट बाइक्स की बिक्री हुई है। और इसका एक्सरूम प्राइस 1,22,630 रुपीस यानी कि 1,22,630 रुपए से शुरू होती है। इस लिस्ट में नवे नंबर पर बजाज डोमिनार 250 है, इसकी टोटल सितंबर 2020 में 1,010 यानी कि 1,010 यूनिट बाइक्स की बिक्री हुई है। और इसका जो एक्सरूम प्राइस है 1,65,715 रुपीस से शुरू होती है। इस लिस्ट में दसवें नंबर पर KTM Duke 250 सीसी है, जिसका सितंबर 2020 में टोटल 1,126 यानी कि 1,126 यूनिट बाइक्स की बिक्री हुई है। और इसका एक्सरूम प्राइस 2.01 लाख रुपीस यानी कि 2,01,000 रुपीस से शुरू होती है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 10 बाइक्स के बारे में बताया है जिसका बिक्री सितंबर 2020 में सबसे कम हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस लिस्ट में जितने भी बाइक शामिल हैं उनकी प्राइस काफी ज्यादा है, क्योंकि ये बाइक सुपर बाइक्स और स्पोर्टी में आती हैं, इसलिए इनकी प्राइस काफी ज्यादा है, इसीलिए इनकी बिक्री भी काफी कम होती है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको 10 ऐसे बाइक्स के बारे में बता दिया है जिनकी इंडिया में मार्केटिंग काफी कम है, जिनको लोग खरीदना तो चाहते हैं लेकिन इनकी प्राइस इतनी ज्यादा है कि लोग इन्हें खरीद नहीं पाते हैं। इसके अलावा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि वो 10 बाइक कौन से हैं जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा सितंबर 2020 में बेची गई हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।